किसी दूसरी बंदी की मोबाइल कॉल और मैसेज हिस्ट्री अपनी मोबाइल में कैसे देख सकती है। ये वीडियो सिर्फ जोंग सिम इस्तेमाल करने वालों के लिए है। इस वीडियो में सिर्फ जोंग सिम की कॉल और मैसेज हिस्ट्री देखने को तरीका बताते हो। अगर आप जेज सिम पर कॉल और मैसेज हिस्ट्री देखना चाहते हैं, जेज वालों के लिए मैंने पहले से वीडियो अपलोड किया इस चैनल पर, वह देखें। मिसाल की ये मेरा मोबाइल है और ये मेरा घर का मोबाइल है या गर्लफ्रेंड का है या किसी और का है, मैं सिर्फ मिसाल देता हूँ। इसके बाद ये मोबाइल वाले किसके साथ बातें करते हैं, इस मोबाइल का मुकम्मल कॉल और मैसेज हिस्ट्री अपनी मोबाइल में कैसे देख सकते हैं। वीडियो आखिर तक देखे आप समझ हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ ये वीडियो लाइक कर दे। चले वीडियो की तरफ। दोस्तों अपनी मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करें, यहां सर्च करें माई जोंग, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना जरूरी है। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, मैं इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल पर क्लिक करें। थोड़ा सा इंतज़ार करें, ठीक है। मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है। मेरे पास इंस्टॉल हुआ, उसके बाद ओपन करें। ओपन पर क्लिक करें। यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करें। दोस्तों यहाँ ओह नंबर लिख के आप कौन से नंबर कॉल और मैसेज हिस्ट्री निकालना चाहते हैं, ओह नंबर यहाँ लिख के, मतलब उसके नंबर पे ये एप्लीकेशन ऑन करें। मिसाल की मैं अपना घर का नंबर लिखता हूँ। उसके बाद ये तीर वाला निशान है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद ये नंबर को एक वेरिफिकेशन कोड सेंड हुआ। अगर ये नंबर आपके पास थी तो यहाँ वेरिफिकेशन कोड लिख के, अगर आपके पास नहीं है तो इस नंबर को कॉल करें। आपके मोबाइल में एक कोड सेंड हुआ, वो कोड मुझे बता दें। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि इस बंदी को मैं कैसे कोड मंगवाए, कोड देती है या नहीं। तो मेरा ये बात सुने, ये तो जाहिर बात है, अगर आपकी गर्ल फ्रेंड थी आपकी हर बात मांगते हैं या घर की मोबाइल थी वो खुद ब खुद कोड देते हैं। यहाँ कोड लिख के उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें। आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो नंबर लिखा वो नंबर का सारा डिटेल मैं अपनी मोबाइल में देख सकते हो। उसके पास 38 पैसे बैलेंस है, किस नाम पर है, 0 MB है, 0 मेंस है और 0 SMS है। मैं आप कॉल और मैसेज हिस्ट्री देखना चाहता हूँ तो फिर ब्रीफ हिस्ट्री आप देख सकते हैं, ये वाला ब्रीफ हिस्ट्री, इस पर क्लिक करें। उसके बाद ओके क्लिक करें। दोस्तों उसके बाद आपके सामने एक वेरिफिकेशन कोड की जगह भी आ सकते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड जो आपने पहला कोड दिया वह कोड दोबारा लिख के, उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। उस बंदे का सारा डिटेल मेरे मोबाइल में ओपन हुआ। मैंने जो सिम लिखा है वह सिम मेरा है, मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। इंटरनेट देखता हूँ, इंटरनेट पैकेज भी नहीं है तो मैं यहाँ कॉल हिस्ट्री देखना चाहता हूँ। तो आप कॉल पर क्लिक करें, ये कॉल ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करें। उसके बाद ओके पर क्लिक करें। तो मैंने 1 सितंबर को कॉल नहीं किया। SMS आप यहाँ डेट सेलेक्ट करें, ठीक है। मैं यहाँ अगस्त 30 डेट ओके। मैंने 2 मैसेज किया, टोटल नंबर आप SMS 2। मैं इस मैसेज का हिस्ट्री निकालना चाहता हूँ तो आप व्यू हिस्ट्री पर क्लिक करें, आप मैसेज हिस्ट्री देख सकते हैं। दोस्तों इस तरीक़ाकार पे आप दूसरी बंदे जोंग की नंबर कॉल हिस्ट्री और मैसेज हिस्ट्री देख सकते हैं। तो उसके बाद कोई बंदा समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करें। अब मुझे इजाज़त दे, खुदा हाफिज़।